अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, वेलकम टू रेबर एकेडमी। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक पे वीडियो है, जो हमारा सबक चल रहा है कसीर रुकनिया। कसीर रुकनिया में मैंने 3.5, 3.4, 1, 2, 3, 4 और 3.5 के भी कुछ सवाल जो है करा दिया। 3.5 क्योंकि बहुत बड़ी है तो उसके कुछ सवाल यहाँ रह गए थे, छठा, सातवां, आठवां, तीन सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी ज्योमेट्री अलजेब्रा के तमाम वीडियो जो है मैं रिवीजन लेते जाऊंगा आपको, तो आपको बहुत जल्दी इसमें जो सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम जो कसीर रुकनिया है उसमें छठा। अगर किसी ने पहले वीडियो नहीं देखे है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से क्लिक करके पहले वीडियो भी देख सकते हैं या मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा हमारे। ठीक है, देखिए कसीर रुकनिया, तो यहाँ पर पहला छठा सवाल है आपका कसीर रुकनी वाई क्यूब 5y2। तो मैं यहां पर पहले सवाल लिख लेता हूं। जो कसीर रुकनी हमारे पास है क्या है, y क्यूब माइनस 5y2 जमा 7y जमा m को y जमा 2 से तकसीम करें। तो अब देखिए ऐसे सवाल में क्या करना है, इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो उसमें देखिए, मैंने बताया था इससे तकसीम करना है। तो यहां पर y बराबर इसका मुतजाद लेना है। मुतजाद का मतलब होता है अगर ये y जमा 2 है तो हम नफी 2 लेंगे। क्या लेंगे, y बराबर नफी 2 रखने पर, यानी ये जो हमारे पास जो दिया था y जमा 2 इसका उल्टा लेना है नफी 2, तो y बराबर नफी 2 लेंगे और रखेंगे। और देखिए आगे दिया है बाकी 50 बचता है, यानी इसको हल करने पर जवाब 50 आता है, ये हमको दे दिया है। यहां पर हम लिखेंगे बाकी 50, बाकी कितना है 50। तो चलिए y बराबर नफी 2 जो बच्चों इसमें रखते हैं हम। तो पहले कसीर रुकनी को मैं फर्ज करता हूं, कोई भी कसीर रुकनी हल करने से पहले उसको p यानी पॉलिनोमियल्स, और y इसके अंदर मुतगैर है इसलिए py लेंगे, बराबर पूरी कसीर रुकनी को लिखेंगे y क्यूब माइनस 5y की कुव्वत 2 प्लस 7y जमा 7y जमा m। ठीक है, हमको m की कीमत मालूम करना है, किसी की कीमत तो m। तो बाकी जो हमारे पास y अभी हमने लिया माइनस 2 नफी 2 उसको रख दीजिए बच्चों। तो देखिए p नफी 2 यहां रख देंगे हम, तो y जा जाए उसकी नफी 2 उसकी जगह रखिए, और कुव्वत 3 देखिए जो लगा देंगे 5 भी, और y की जगह हम रखेंगे नफी 2 कुव्वत 2 लगा देंगे जमा 7, y की जगह रखेंगे हम नफी 2 तो ये नफी 2 रखेंगे, और जमा m तो मालूम करना है इसलिए वो उसी तरह रहेगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए ये बाकी 5 का मतलब क्या है मालूम है, ये जो है p माइनस 2 की कीमत है। जब भी अगर आपको ऐसे दिया है कि बाकी 50 बचता है, बाकी 100 बचता है, बाकी 10 बचता है, तो ये जो कीमत लेंगे ना हम, तो ये जो कसीर रुकनी रखते हैं हम y की कीमत, तो ये इसकी कीमत रहती है, p माइनस 2 की कीमत 50 है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बाकी का मतलब जो भी मुतगैर है, अगर यहां पर रहता वाई जमा 3 तो यहां पर p नफी 3 रहती और उसकी कीमत 50 रहती। बस समझ में आ गई मैं क्या बता रहा हूं। चलिए ठीक है, तो p माइनस 2 और इसकी जगह हमको रखना है 50। अब देखिए 2 का मकब निकाल लीजिए, पहले 2 दुनी 4, 4 दुनी 8। ठीक है, अब मनफी 8 लेंगे हम, क्योंकि नफी मकब नफी जो है अलामत नफी की लगती है, अगर किसी अदद का मकब ले रहे और वो नफी में है तो। अब यहां पर नफी 2 था तो मनफी अदद का मकब जो है मनफी ही होगा, तो 2 का मकब 8 होता है लेकिन नफी लगाएंगे, ये नफी ऐसे रखिए आप। अब देखिए 5 भी ऐसे लिखना है आपको। अब ये नफी 2 का स्क्वायर है, मुरब्बा है, मनफी अदद का मुरब्बा मजबूत होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे 4, क्योंकि 2 का मुरब्बा 4 होता है और नफी 2 है तो नफी का मुरब्बा मजबूत होता है, जमा में आता है, इसलिए 4 लिखा मैंने जमा। 7 दुनी 14 तो नफी 14 क्योंकि 2 के साथ नफी लगा हुआ है, और जमा m जैसा है वैसा रखेंगे। ठीक है बच्चों, 50 भी आप इसी तरह रखिए, बाद में इसको हल करेंगे हम। अब देखिए ये नफी 8 भी इसी तरह रख रहा हूं, पहले इनकी जरब कर दूंगा 5 चौक 20। अब देखिए जमा नफी नफी होता है इसलिए नफी लिखेंगे और जमा 5। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा आगे बढ़ाता हूं मैं। हाँ, अब यहां पर क्या करने का हमको, 50 जो हमारे पास उसको आप इसी तरह रखिए। अब ये नफी नफी जमा 20 और 8 28, नफी 28 और नफी 14 जैसा है वैसा जमा 5। नफी नफी जमा होता है बच्चों, तो नफी 28 और नफी 14 तो नफी नफी जमा होगा, 28 में आप 14 मिलाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस, क्योंकि बड़ा
28 है इसलिए उसकी निशानी लगाएंगे, तो माइनस 14 और 28 आप जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 42। जमा एम जैसा है वैसा, माइनस 42 को आप इधर ले जाइए तो वो जमा हो जाएगा, क्योंकि नफी जब बराबर के उधर जाता है तो जमा हो जाता है एम। ठीक है बच्चों, अब दोनों की जमा कर दीजिए, हमारा एम की कीमत आ जाएगी आसानी से, तो हमारी एम की कीमत आएगी 92। तो हमारे पास एम की कीमत मालूम करने के लिए कहा था, एम की कीमत आ गई 92। बच्चों एकदम आसान है ना, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं हम। क्या है अगला सवाल हमारे पास, देखिए नंबर 7 क्या है, मसले जुज दरबे का इस्तेमाल करके, ये जो अभी किया ना मैंने, ये वाई बराबर नफी दो रखा, इसी को मसले जुज दरबे कहते हैं। क्या कहते हैं? मसले जुज दरबे, यानी जो एक जमा तीन है देखिए यहाँ पर, और कसी रुकनी है हमारे पास ये, तो मसले जुज दरबे क्या है, इसका मुतजाद लीजिए आप वहां रखिए, मसले जुज दरबे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, पहले कसी रुकनी जो दी गई है उसको लिख लेता हूं। एक्स की कुवत 2 जमा 2x नफी 3, और इसको तकसीम किया किसने करने बोला है, उसने मसले जुज दरबे का इस्तेमाल करके, बताइए x जमा 3 इसका जुज दरबे है या नहीं। तो अब हमको क्या बताना है, जुज दरबे है या नहीं। अब जुज दरबे कब होगा, जब इसकी कीमत कसीर रुकनी में रखने पर जवाब 0 आता है तो जुज दरबे है, जवाब 0 नहीं आता तो जुज दरबे नहीं है। ओके चलिए ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था, एक्स बराबर माइनस 3 लेने पर, यही लेंगे ना हम। ठीक है, तो पहले कसी रुकनी को फर्ज करता हूं, पी एक्स क्या है, कसी रुकनी x की कुवत 2 जमा 2x नफी 3, ले लिया बच्चों। चलिए अब x की जगह क्या रखना है, माइनस 3 रखना है, तो चलिए रखते हैं माइनस 3, जहां जहां x है उसकी जगह माइनस 3 रखेंगे हम, जमा 2 जरब माइनस 3, और ये नफी 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस पी माइनस 3 इसको ऐसे रखिए, हमको बताना ये जुज दरबी है या नहीं। तो इज इक्वल टू, अब मनफी अदद का मुरब्बा मजबत मैंने अभी बताया था आपको, तो 3 का मुरब्बा 9 जमा, अब ये दोनों की जरब करेंगे हम तो 2 3 6, लेकिन इसके साथ नफी इसके साथ जमा है, तो जमा नफी नफी, और ये 3 जैसा है वैसा, पी माइनस 3, अब 9 में से 6 गया तो 3 मिलेगा, और ये नफी 3 जैसा है वैसा ही, 3 में से 3 गया तो 0 मिलेगा, और मैंने बोला था बच्चों आपको बताना है जुज दरबे है या नहीं, 0 आया तो हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे कि x जमा 3, जवाब किस तरह लिखना है, x जमा 3 कसीर रुकनी x स्क्वायर जमा 2x नफी 3 का जुज दरबे है। क्या है? जुज दरबे है। समझ में आ गया बच्चों क्यों जुज दरबे है, क्योंकि जवाब 0 आया हमारे पास, इसीलिए जुज दरबे है, क्योंकि उसने कहा था मसला जुज दरबे का इस्तेमाल करके बताइए, एक जमा 3 कसी रुकने का जुज दरबे है, तो जवाब 0 आ गया इसलिए जुज दरबे है। चलिए अगला सवाल देखते हम, तो नीचे मैं सवाल को ही नीचे ले लेता हूँ जरा सा, ताकि आपको भी आसानी हो जाए। चलिए ये देखिए हमारा सवाल आ चुका है यहाँ पर, चलिए अब ये सवाल को हमको हल करना है बच्चों, कैसे हल करेंगे देखो यहाँ पर, थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता हूँ। चलिए देखिए, अगर x नफी 2 कसीर रुकनी का जुज दरबे है, अब जुज दरबे कब होता है बच्चों, जब जवाब 0 रहता है, इसका मतलब यहाँ पर जिसको रखने पर जवाब 0 आता है, ये हमको सवाल में दिया है कि जुज दरबे है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कसीर रुकनी को लिख रहा हूं, पी एक्स बराबर एक्स की कुवत 3 नफी एम एक्स की कुवत 2 जमा 10x नफी 20। अब क्या कहा है, एक्स नफी 2 जुज दरबे है, जुज दरबे है, इसका मतलब तो इसलिए देयरफॉर लिखेंगे पी एक्स या पी नफी पी बराबर 2, क्योंकि यहां पर 2 रखेंगे ना हम, जब नफी 2 है तो हमने उसका उल्टा लेना है, तो यहां पर लिखेंगे पी 2, तो पी 2 बराबर 0, पी 2 बराबर 0, ये इसका मतलब होता है कि जुज दरबे है, यानी अगर एक्स नफी 2 दिया हुआ है उसकी जगह आप कसी रुकनी में 2 रखेंगे तो जवाब 0 आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब वो जुज दरबे है। तो अब इनकी कीमत मालूम करना है, तो चलिए लिखते हैं, आप सबसे पहले कसी रुकनी में कीमत रख देंगे हम, तो x जगह क्या हमारे पास वो लिख लेता हूं मैं, तो x बराबर, अब यहां नफी 2 है तो हम क्या लेंगे, 2 रखने पर,
एक्स बराबर दो रखने पर। तो चलिए मैं दो रखता हूं, पी देखिए इसकी जगह दो रखा मैंने, बराबर दो की कुवत तीन, वो भी रख दिया, माइनस एम नहीं है, एम मालूम करना है, इसको ऐसे रखेंगे, जरब करके एक्स की जगह रखेंगे दो की कुवत दो जमा दस और जरब दो और नफी बीस जैसा है वैसा। अब दो का मकब होता है बच्चों आठ, ये अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, माइनस एम भी आप ऐसे ही रखिए, जरब करके दो की कुवत चार होती है, ये भी हमने देखा, दस दुनी बीस होता है ये भी देखेंगे, और माइनस बीस, ठीक है। अब देखिए बीस में से बीस गया जीरो, तो इसको काट दीजिए आप, क्योंकि जमा बीस नफी बीस कट जाता है, तो क्या बचा हमारे पास, एट नफी एम जरब चार। अब देखिए पी टू की कीमत कितनी है, जीरो है, तो सब जगह जीरो रख दीजिए बच्चों, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, देखिए आप इन दोनों में से अब आप चाहे ये एम जरब चार को इधर लाइए, तो मैं एम जरब चार को पूरा उठा के इधर लाता हूं बच्चों, तो ये नफी में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जमा में हो जाएगा सॉरी, बराबर आठ इधर अकेला बचेगा। समझ में आया मैंने क्या किया, ये पूरा एम जरब चार को इधर लेकर आया, तो इसकी निशानी नफी थी, तो ये नफी इधर आके जमा हो जाएंगी, जीरो को हटा देंगे हम, ठीक है। अब ये चार को आप इधर तकसीम में ले जाइए, तो आपको मिलेगा एम बराबर आठ बटे चार, चार दुनी आठ, तो हमारे पास एम की कीमत आएगी दो। तो हमको जो मालूम करने के लिए कहा था बच्चों कि एम की कीमत मालूम कीजिए, तो एम की कीमत है दो। समझ में आया बच्चों, तो ये तीन सवाल है जो आपको यहाँ पर हल करना बहुत जरूरी थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये तीनों सवाल आपको बच्चों बताया। देखिए आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझा, और मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं समझा होगा, बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बच्चों सो जजाकल्लाहु खैरा।